आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति की टीम मेडिकवर हॉस्पिटल में आ चुकी। आज हम बात करने वाले डॉक्टर अनूप तोशनीवाल जी से, जो अंको फिजिशियन हैं, जिन्होंने काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट हैंडल किया है। हम उन्हीं से जानेंगे। आज हम स्पेशल, हमारा टॉपिक रहेगा टारगेटेड थेरेपी। इसके ऊपर हम डॉक्टर अनूप सर से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे ये ट्रीटमेंट के बारे में। आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे टारगेटेड थेरेपी पे। तो डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि वे अंको फिजिशियन हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा चर्चा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप तोशनीवाल। मैंने पहले MBBS किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से। MD मेडिसिन मैंने KMC बैंगलोर से किया है। DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से किया है। वहाँ पे मैं एक साल असिस्टेंट प्रोफेसर भी था। तो जो मेरा फील्ड है ऑन्को फिजिशियन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इसका काम ये होता है कि कैंसर के बारे में जो भी दवाइयाँ देनी है, जैसे कि कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, या उसका पेशेंट को दर्द कम करने के लिए कुछ नार्कोटिक दवाई देनी है, मॉर्फिन ऐसा कुछ देना है, बड़ा पेन किलर, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में जो भी राय देना है या जो भी ट्रीटमेंट करनी है, वो मेरी ब्रांच के डॉक्टर्स करते हैं। सर, आज जो अपन आज बात करने वाले सर, टारगेटेड थेरेपी, ये टारगेटेड थेरेपी क्या होती है सर, और कौन से पेशेंट को दिया जाता है? टारगेटेड थेरेपी एक कैंसर को मारने की दवाई का ही सब टाइप होता है। कीमोथेरेपी का प्रॉब्लम ऐसा है कि कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं जनरली, अगर आप देखेंगे टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी को कंपेयर करके। लेकिन सस्ती आती है टारगेटेड कीमोथेरेपी। टारगेटेड थेरेपी थोड़ी महंगी आती है, लेकिन टारगेटेड थेरेपी का फ़ायदा ये है कि वो कैंसर के एक स्पेसिफिक टारगेट को जाके हिट करती है और बॉडी के जो बाकी के नॉर्मल सेल्स हैं उस पर बहुत कम बाइंड होती है। तो उस कारण की वजह से उसका एक्शन जो है मेन, जो सेल्स को किल करना, कैंसर सेल्स को ज़्यादा किल करती है, उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है। जनरली टारगेटेड थेरेपी जो है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर हैं, लंग कैंसर हैं, स्टमक कैंसर हैं, ये इन चीज़ों में अपन जनरली ज़्यादा देते हैं। लेकिन अभी ऑलमोस्ट हर टाइप के कैंसर के लिए कुछ ना कुछ टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। सर, ये टारगेटेड थेरेपी किस तरह दिया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या रहता है? टारगेटेड थेरेपी के अंदर कम से कम एक 20-30 दवाई आती है, हर कैंसर के स्टेज के हिसाब से, और उसके कैंसर कौन से अवयव क्या है उस हिसाब से उसको हम सिलेक्ट करते हैं। टारगेटेड थेरेपी IV भी दे सकते हैं, यानी इंजेक्शन या सलाइन के द्वारा, या उसको ओरली भी दे सकते हैं, जैसे गोली होगी टारगेटेड थेरेपी की, वैसे भी दे सकते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल सिचुएशन में हम डायरेक्ट ब्रेन के अंदर देते हैं CSF के थ्रू, तो वो एक तरीका है। तो ये तीन तरीके से हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं। सर, अभी हाल ही में आपके पास एक कैंसर के पेशेंट को टारगेट थेरेपी दिया गया है और काफ़ी अच्छा है। सर, ऐसे पेशेंट के सिम्टम्स और उससे क्या क्या तकलीफों से गुजरना पड़ा? एक्चुअली जो पेशेंट के बारे में चर्चा हो रही थी, वो एक प्लस 60s की वुमन थी, जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, यानी स्तनों का कैंसर था। अनफॉर्चुनेटली वो स्तनों का कैंसर के जो सेल्स हैं वो दिमाग का जो पानी रहते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली CSF बोलते हैं, उसमें फैला हुआ था। उस कारण से वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दुखना, उल्टियाँ होना, दिखने में तकलीफ, दिखने में भास होना, जैसे सांप उड़ रहे हैं या आग लगी है, खुद के बच्चे को पहचान नहीं पा रही थी, उल्टी के कारण कुछ खाना पीना नहीं जा रहा था, ये सब तकलीफें की थी उसको। उसको 10 या 15 दिन में उसका 2 बार MRI हो चुका था। उसको दिमाग के डॉक्टर यानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी दिखाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। तो जब हमारे पास, जब मेडिकल में वो पेशेंट आई, हमने उनका लंबार पंचर किया, यानी एक छोटी सुई डाल के पीठ में जो दिमाग के आजू बाजू जो पानी रहता है, जिसको CSF बोलते हैं, वो निकाला, उसको माइक्रोस्कोपी यानी माइक्रोस्कोप के अंदर देख के उसमें डायग्नोसिस किया कि कैंसर यहाँ फैला हुआ है। फिर उसके बारे में उनका हमने ट्रीटमेंट प्लान किया। तो इसके ट्रीटमेंट के हमने 2 तरीके से उसको कैंसर को मारने के लिए सोचा। एक तो नॉर्मल जो अपन IV इंजेक्शन देते हैं, उसमें हमने एक नया क्लास ऑफ ड्रग है, ये टारगेटेड थेरेपी में सबसे एडवांस मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट, वो दिया है, TDM1 बोलते हैं जिसको। और हमने ब्रेन में यानी सीधा CSF को क्लियर करने के लिए हमने पीठ में सुई लगा के डायरेक्टली टारगेटेड थेरेपी वो CSF के इसमें देती है। जैसा भी ऐसा टारगेटेड थेरेपी का जो है, तो सीटिंग होता है क्या सर? कितना सीटिंग देना पड़ता है और पेशेंट को कहाँ तक रिकवरी हुआ है, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है?
तो अभी कैसा है कि अगर आप सब पेशेंट के बारे में बात करें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक का स्टेज, हर एक के सिम्टम अलग होते हैं। लेकिन जैसे इस पेशेंट के बारे में ऐसा हुआ कि हमने उसको चार बार जो है ब्रेन में हमने डायरेक्टली टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी इंजेक्ट की, प्लस जो इंजेक्शन द्वारा आईवी द्वारा जो नॉर्मल जैसे अपन सलाइन देते हैं वैसे दो बार की। तो एक महीना अभी हो चुका है पेशेंट को ट्रीटमेंट लेते हुए और अभी काफ़ी सुधारना है। जैसे पेशेंट अभी अपने घर वालों को पहचानती है, सर दुखना बंद हो गया है, उल्टी वगैरह कुछ नहीं होता है, अभी दिखने का भी जो भास होते थे वो सब कम हो गए हैं। और हमने उसका CSF हर बार जब हम सुई उसमें डालते हैं पानी में, हम पानी का थोड़ा सैंपल लेते हैं और हर बार माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कैंसर के सेल कम हुए कि नहीं। तो बाय गॉड्स ग्रेस पिछले दो बार CSF में हमने जब चेक किया तो कैंसर के सेल बिल्कुल भी हमको दिखे नहीं, तो दो बार उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है। इस कारण अभी हम जो हफ्ते हफ्ते में उसको जो दे रहे थे, अभी हम सोच रहे हैं उसको दो हफ्ते में दे और इवेंचुअली हम महीने में एक बार दे, ताकि पेशेंट को खर्च भी कम आए और पेशेंट का हॉस्पिटल में आना जाना भी कम हो जाए। सर, जैसा बताया है कि कैंसर हुआ घर में, एक बड़ा काफ़ी मातम देखा माहौल मिलता है, तो ऐसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल, कैंसर पेशेंट को साइकोलॉजिकल, जैसा बताया कि भाई बायोप्सी करना है, बायोप्सी करने के बाद ऐसा उनको फील होता है कि भाई कैंसर फास्ट स्प्रेड होता है, ऐसा गैर समझ है, ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या सजेशन देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बोला गया है इसका जेनेसिस ऐसा था कि आज से 15-20 साल पहले ऐसा मानते थे, यानी डॉक्टर लोग भी, हम लोग भी मानते थे कि बायोप्सी किया तो बायोप्सी करने से फैल सकता है। लेकिन अभी जो भी पिछले 15 या 20 साल में साइंटिफिक पेपर आए हैं उसके अंदर क्लियर कट ऐसा मेंशन है कि ये जो रिस्क है बहुत कम होता है। जनरली आप प्रैक्टिकली उसको ना के बराबर समझें, और जब तक हम बायोप्सी करते नहीं हैं हमको 100% पता नहीं चलता कि ये कैंसर है या नहीं है। अच्छा, कैंसर पता भी चल गया कि ये कैंसर है तो कौन से सब टाइप का है, क्योंकि हर सब टाइप कैंसर की इलाज अलग होता है। तो जब तक हमको पूरा 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कैंसर के बारे में कि कौन सा कैंसर है, कौन से सब टाइप का है, और जब तक हम स्कैन करके पता नहीं चलते कि इसका स्टेज कौन सा है, तब तक उसका अच्छे से इलाज करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए बायोप्सी करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि चेस्ट एक्सरे पे या सिटी स्कैन पे, MRI पे, पेट स्कैन पे दिखता है कैंसर जैसा, लेकिन जब बायोप्सी किया तब टीबी निकला। तो वो 10-20 दिन जब पेशेंट को लगता है कि एक्चुअली कैंसर था तो कैंसर नहीं टीबी होता है, और पेशेंट बाद में खुश हो जाता है कि अरे कैंसर नहीं निकला। वाइस वर्सा ऐसा भी होता है कि जहाँ पे बायोप्सी नहीं की, 3-3 महीने 6-6 महीने पेशेंट ने टीबी समझ के उसको दवाई दी गई है, उसने खुद से दवाई ले ली, और 6 महीने बाद जो कैंसर पहले सेकेंड स्टेज में था, थर्ड स्टेज में था, वो 6 महीने में डायरेक्टली फोर्थ स्टेज में होता है। तो टाइम पे बायोप्सी ना करने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, और टाइम पे बायोप्सी करने की वजह से बहुत सारों की लोगों की जान भी बच गई है। तो बायोप्सी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो दिमाग में एक ही आता है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड ऑपरेशन, ऐसे तीन। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस में तो मेडिकवर में ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट कैंसर के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिकवर में जो अलग है एज़ कम्पेयर्ड जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वो सारे इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स या कैंसर हॉस्पिटल्स के ही फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, कि एक डॉक्टर जनरली डिसीजन नहीं लेता है कॉम्प्लेक्स कैंसर्स के। हमारा 2 या 3 लोगों का जो कोर टीम है, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी रेडिएशन का डॉक्टर, सर्जरी का डॉक्टर और जो कीमोथेरेपी या जो ऑन्को फिजिशियन है, तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फाइल देखते हैं, उसके लिए जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो करते हैं। तो उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, प्लान गलत नहीं होता है। सेकेंड थिंग है कि जैसे मैं ऑन्को फिजिशियन हूँ, तो जो जनरली मुंबई या दिल्ली में या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो दवाई दी जाती है, जैसे इम्यूनोथेरेपी है, एंटीबॉडी ड्रग एंटी कॉन्जुगेट एंटीबॉडीज़ है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है या कीमोथेरेपी है, ये सब अभी औरंगाबाद में दे सकते हैं, सब अवेलेबल है। ये लेने के लिए कुछ मुंबई, पुणे या फिर ऐसे फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, बोन मैरो टेस्टिंग है, ये सभी भी औरंगाबाद में अवेलेबल है। सर्जरी की इसमें अपने पास लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, फिर जो कॉम्प्लिकेटेड इसोफेगस की सर्जरी होती है, पैंक्रिया की सर्जरी होती है, छोटे बच्चों के कैंसर की सर्जरी होती है, ये भी अपने पास सब उपलब्ध है। और अपने पास ऑलमोस्ट
6 to 7 डॉक्टर्स जो हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के, और एक या दो डॉक्टर हैं जो टाटा से नहीं है लेकिन जो कैंसर में काफ़ी जिनका स्पेशलिस्ट है वैसे है उपलब्ध। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के अंदर हम 5 या 6 लोग हैं जो सब टाटा से हैं, और हम लोगों का टीम ही एज डिसाइड करता है टीम, इंडिविजुअल डॉक्टर कोई डिसाइड नहीं करता है। सर धन्यवाद, काफ़ी हमारे दर्शकों को आपने काफ़ी अच्छा जानकारी दी। सर एक आखिरी सवाल ये है, क्या कैंसर के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, जो ऑन्को फिजिशियन है आप, तो हमारे दर्शकों को ये मार्गदर्शन करिए, क्या कैंसर ही ना हो, कैंसर से बचाना तो अलग बात है लेकिन कैंसर ही ना हो, इसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे सर? अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने सही कही कि कैंसर का जो जो इंसिडेंस है वो अगले 18 साल में डबल होगा, नेक्स्ट इंसिडेंस उसका 10 साल में डबल होगा। अभी उसका कारण ऐसा है कि जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, एज यानी एडवांस, जैसे लोगों की ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, एक एवरेज पर्सन आज 70 साल तक जीता है, वो एक एज है, रिस्क फैक्टर है। प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर में है अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ओबेसिटी, जो ध्यान में नहीं दे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इवन मोटापे से भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, रेडिएशन एक्सपोजर और कुछ तरह के वायरल इन्फेक्शन, तो इससे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। अब कैंसर हो ही ना, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ कैंसर अनअवॉइडेबल हैं, जैसे अगर आपके जीन्स में ही, आपके फैमिली में ही है कैंसर का हेरिडिटरी, तो एक कुछ आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपके जीन्स चेंज नहीं कर पाते। आरोग्य जागृति।